हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सरगम नेचर ब्यूटी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि किस तरीके से अपने फेशियल हेयर को रिमूव कर सकते हो। है ना, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम रहती है फेशियल हेयर की, वो चाहते हैं कि उनकी फेशियल हेयर जो है वो रिमूव कर सकें अच्छे से। तो बहुत से ऐसे वैक्स आते हैं जो हम अपने फेस पर यूज भी कर सकते हैं, लेकिन इसे ना की जाए तो हमारे फेस में रेडनेस आ जाती है, तो स्किन कट भी सकती है और बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसलिए अगर आप जब भी वैक्स को यूज करो तो बहुत ही ध्यानपूर्वक से आपको यूज करना है। अगर आप बिगिनर हो, नए हो, तो भी मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि जो मैं अभी प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ आपके लिए बहुत ही सेफ है। आप देख सकते हो, हिप हॉप का ये स्किन केयर वैक्स स्ट्रिप्स है, तो इससे आप अच्छे से कर पाओगे, है ना। ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बेस्ट है। अगर चाहे सेंसिटिव स्किन वाले हो, नॉर्मली हो, ड्राई स्किन वाले, कोई भी कर सकते हो। फोरहेड, एप्पल लिप, अपने फेस के भी हेयर्स को बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपको अपने हैंड के लेग के भी हेयर्स निकालने तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो बस करने का थोड़ा तरीका, इसको बहुत अच्छे से करना है, बहुत ही केयर के साथ करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बट बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। तो चलिए मैं अभी दिखा दे रही हूँ किस तरीके से इसको करना है। और ये है एलोवेरा फ्लावर, आप देख सकते हो इसकी जो फ्लावर है, ये एलोवेरा, इसमें बहुत सारे फ्लावर आते हैं, आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन ये स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सेफ है। अगर आप स्किन के हेयर्स को निकालना चाहते हो, आप फेशियल हेयर रिमूव करना चाहते हो, तो ये बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हो इस तरीके की ट्रिप्स आती है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको इसको छोटी छोटी ट्रिप्स की पार्टीशन बना लेनी है और ऊपर की साइड से लगा के नीचे की साइड से आपको खींच देना, बहुत ईजिली से निकल जाएगा। फोरहेड, ऊपर लिप, फेस के हेयर्स, आप चाहो तो इसे थ्रेडिंग भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा। ये थ्रेडिंग का भी हो जाएगा, इसकी पतली पतली लेयर करके आपको थ्रेडिंग पे अप्लाई करके और अच्छे से थ्रेडिंग भी कर पाओगे। तो अगर आपको इसकी डिटेल में वीडियो देखनी है कि कैसे इसे करना है, किस तरीके से अप्लाई करके इसको हेयर्स को निकालना है, तो मैं अपने चैनल पे इसके ऊपर की वीडियो बना रखी हूँ। मैंने उसमें डाल दिया हुआ कि कैसे इसे यूज में लेना है, तो आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हो। और मैं वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से जाके देख सकते हो कि कैसे इसे यूज में लेना है, कैसे इसे करना। तो ये बहुत अच्छा है। आप अगर बिगनर हो, नए हो, आपको बिल्कुल भी करना नहीं आता, तो भी आप इसे बहुत ही आराम से कर पाएंगे। अगर आपकी स्किन ड्राई है, सेंसिटिव कॉम्बिनेशन है, तो आप ले सकते हो, क्योंकि ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, तो हम कोई भी स्किन वाले भी कर सकते हैं ना। तो बस इसी तरीके की आती है, आप देख सकते हो। अगर आप अपने हैंड पे करना चाहते हो तो इसको पूरा आपको लगाना पड़ेगा, है ना। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको थोड़ी सी ट्रिप्स काट के इस पे हैंड पे लगा के देख लेना कि इस तरीके से ये वाल निकलते हैं, ये अच्छे से काम कर रहा नहीं कर रहा है, आप लोग को पहले चेक कर लेना होगा। लेकिन ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने इसको बहुत बार यूज भी किया है। तो अगर आपको लेना है तो ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम रहती है फेशियल हेयर की, जो मतलब डरते हैं कि किस तरीके से मैं करूँ, कैसे करूँ, हमारी स्किन ख़राब ना हो जाए, तो वो बिना डरे इसे ले सकते हैं। और ये चीज़ है जो आप देख सकते हो, इसमें क्लिंजिंग वाइप्स दिया रहता है। अगर आप अपने फेस पे कर रहे हो, लेग पे कर रहे हो, हैंड पे कर रहे हो, तो आप हेयर्स को निकालने के बाद इससे क्लीन किया जाएगा। अगर आप वाटर का यूज़ करते हो, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, वो चिपचिपा हो जाएगा, तो आपको वाटर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना, आपको इसी क्लिंजिंग वाइप्स की मदद से अच्छे से निकाल देना है, है ना। ये बहुत अच्छे से निकल भी जाएगा और अच्छे से कर भी पाएंगे, क्योंकि इसमें दिया रहता है क्लिंजिंग वाइप्स है। आपको वैक्स करने के बाद में इसी से आपको निकालना है, अपने हैंड को, अपने फेस को, कहीं भी जहां भी आप कर रहे हो उसको इसी से क्लीन करना है। तो इसी तरीके की आते ही आप देख सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। और इसी तरीके की वीडियो के देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रहा हूँ, तो जिसको करना है वो हमसे जुड़ सकते हैं, घर बैठे ही आराम से, आसानी से, बिना पैसा खर्च किए ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीख सकते हैं। तो मैं अपने चैनल पे इसी तरीके की कंटेंट डालती रहती हूँ जो पार्लर से रिलेटेड हो। आपको हमारे चैनल पे बहुत सारे पार्लर से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, हमारे वीडियो का लाभ सबसे पहले आप उठा पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।